आप शर्मा जी नमकीन में दिखे और फाइनली हमें यहाँ दिखे। ऐसे चलते चलते मिल गए, कितना अच्छा कोइंसिडेंस हो गया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इतने टाइम बाद। शर्मा जी नमकीन का आपका एग्जैक्टली एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरे लिए वो फिल्म बहुत स्पेशल है बिकॉज द ग्रेट ऋषि कपूर जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ही इज़ सच अ फैबुलस एक्टर, मतलब उनके साथ काम करना इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। एंड उस पर भी सोने पे सुहागा ये था कि उसी फिल्म में परेश रावल जी के साथ भी काम करने का मौका मिला, जिनकी मैं इतनी बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ। उनकी मतलब अंदाज़ अपना अपना से लेके हेरा फेरी सब मेरी फेवरेट फिल्म्स है। तो आई कंसिडर माई सेल्फ एक्सट्रीमली लकी कि मुझे इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। और मेरी जो किटी पार्टी टीम थी वहाँ पे इतने अच्छे मेरे को एक्टर्स, शिबा चड्डा, आयशा रजा, इन सब के साथ वापस काम करने का, शिबा चड्डा के साथ तो वापस काम करने का मौका मिला, तो बहुत ज़्यादा खुश। उस फिल्म में जूही चावला मैम भी है, तो उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा? वो तो मेरी मतलब बचपन से फेवरेट है जूही चावला, लाइक मोस्ट फेवरेट। एंड शी इज़ सो डाउन टू अर्थ एंड सो हम्बल, एंड वो इतनी ज़्यादा स्वीट है। एंड आप उनकी ज़्यादा तारीफ़ कर दो ना, शी डजन लाइक, तो हम लोग ऐसे ज़्यादा फैन गर्ल उनके सामने मैंने कभी किया नहीं, बट मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। वैसे ऋषि कपूर जी की वो लास्ट फिल्म थी तो इसके साथ थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट भी था। ऑफकोर्स हाउ वाज दैट एग्जैक्टली अ सिंकिंग के यार ये ऐसा हुआ है एंड समथिंग लाइक दैट? इट वाज एक्सट्रीमली पेनफुल फॉर अस बिकॉज जब आप एक मतलब आप एज एन एक्टर ही इतना बुरा लगता है कि जब आपने उन्हें स्क्रीन पे देखा है, बट जब आपने उनके साथ काम किया वो फिर ऐसी न्यूज़ आती है। तो एक तो वो टाइम भी इतना ख़राब था लॉकडाउन के टाइम का, सो वो ही इतना पेनफुल था, फिर ये न्यूज़ आई तो बहुत ज़्यादा पेनफुल था। एंड वी कैन जस्ट कंसिडर आर सेल्स ब्लेस दैट वी डिड गेट टू वर्क विद हिम। वैसे विद्रोही तो ज़्यादा समय हुआ नहीं, एंड आई एम श्योर फैंस अभी से काफी कर रहे होंगे, आपको कुछ रिएक्शंस आए हैं उस चीज़ के बाद? हाँ, बहुत अभी भी वीडियोस आते रहते मुझे इंस्टाग्राम पे, इतने स्वीटली वीडियोस बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आई होप कि फैंस वही प्यार देते रहे राधामणि और बक्सी जगदंबे को। एनीथिंग न्यू दैट इज कमिंग ऑन फॉर योर वे? डेफिनेटली, आई वाज जस्ट रिटर्निंग फ्रॉम देयर एंड यू कॉट मी, बट यार अभी टाइम है तो जब सही समय आएगा मैं अनाउंस करूंगी फॉर श्योर। एक मैसेज दे दीजिए, आई लव यू। Thank you.